प्रीतम भाई इसका ले अपना। हाँ इसका ले दे भाई, एक बर्गर कबीर युवा ब्रिगेड का ले दो भाई, बहुत बढ़िया। ये सारे भाई एक साथ उठ रहे हैं भाई ग्रुप के साथ है, इसमें भाई कोई जात पात ना देखते हो, ना कि ये धर्म देखते हो, अपने देश की आजादी के हमारे सारे भाई। बहुत बढ़िया, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो भाई तिरंगा यात्रा के बारे में क्या कहना चाहोगे, इतना भाईचारा इकट्ठा हो रहा साथ में भाई। आज पूरे भारत में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है हमारे शहीदों के लिए निकाली गई है। अच्छा भाई, जिसके कारण हम जिंदा आज इस धरती पे, जिन बच्चों ने, जिन माँ बाप ने पैदा करके और आज ये देश बचाया, उनकी तिरंगा ये उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाली है पूरे कबीर शिवा संगठन के करकोटा हल्के की। ये पूरा मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए, दानक समाज एक सम्मेलन। जय कबीर, जय वीर, जय वीर, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, भारत माता की जय, कोतल के की जय, दया काप की जय, हिंद जय भारत। क्या कहना चाहोगे जी, इतना भाईचारा इकट्ठा हो रहा है आपके साथ में भाई, 36 बरादरी समाज की। ये यात्रा तो आपने बैनर तले देख लिया हुआ, कबीर युवा संगठन के माध्यम से यात्रा निकाली गई है। हमारे पास काफी जो संगठन है उनके मैसेज आए, सबका स्वागत किया हमने। जो भाई भी इसमें यात्रा में योगदान देना चाहते हैं और भाग लेना चाहते हैं, सभी का स्वागत है। ये यात्रा तो 36 बिरादरी की है, लेकिन हमने जो शुरुआत करी है कबीर युवा ब्रिगेड के माध्यम से करी, उसके बैनर तले यात्रा निकाली जा रही है। और इसीलिए जो ये आज़ादी का आज दिन है, हम भी खुशी से कबीर युवा ब्रिगेड के माध्यम से मनाया जा रहा है। इसमें सभी भाइयों का योगदान है, 36 बिरादरी का योगदान सहयोग है, और उसी के माध्यम से यात्रा को सफल करने में सभी भाइयों का योगदान है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब। दिखा दे भाई, वो भाई तक हूँ, वो साइड में होगा, दिखा दे भाई सारे भाइयों ने, कैमरा मैन तक हूँगा। नमस्कार बेटे, क्या कहना चाहोगे आप भाई, मतलब ये तिरंगा यात्रा के बारे में, इतना भाईचारा इकट्ठा हो रहा है आज ये 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है दानक समाज की तरफ से। और मैं इन सभा में, इस जुलूस में आए सभी विभिन्न विभिन्न पर गांव से आए लोगों को जो है ना, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमेशा यही चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल के एक रहें और अपने समाज की रक्षा करें। जो ये दो देश तोड़ने की बातें करते हैं, उन पर भाई सख्त सख्त कार्रवाई करी जा, क्योंकि भाई हमारा देश एक सोने की चिड़िया है, ठीक है, उसको मतलब कि एक सोने की चिड़िया ही रहने दो भाई, ना कि उसके टुकड़े करो। जब एक कोई भी है चिड़िया लगा लो भाई, अगर उसके पंख पाड़ दें तो उसका उड़ा जाएगा। तो यही है, जब 36 बरादरी ने अलग अलग पाड़ दोगे तो हमारा देश कैसे ग्रोथ करेगा। तो मैं इसी का सवाल जवाब भाई मैं सभी लोगों से मांग रहा हूँ भाई, ये धर्म जाति में ना बांट के अपने भाईचारे का एकता का प्रतीक, जैसे कि अब ये 36 बरादरी ने भाईचारे के प्रतीक एकता दिखा लाग रहे हैं, बहुत बढ़िया लाग है। और मैं कैमरा मैन तक कहूँगा एक बार पूरा दिखा दे, कितना जोश है, कोई नाचन लाग रहा है, कोई गाने लाग रहा है, कोई नीचे लौट लाग रहा है, कोई बैठन लाग रहा है, कोई कूदा है, तो कोई उछला है, तो बहुत बढ़िया लाग है। तो भाई मैं कैमरा मैन तक कहूँगा एक बार चुकर दिखा, भी दिखा दे, हमें बाईपास पे
बाईपास का जो व्यू है, आईटीआई चौक पर हम खड़े हैं। तो भाई मैं कहूँगा कैमरा मैन था, ये सारे भाइयों ने एक बार दिखा दे बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं सारे भाई। अरे अपने उमेश नागर भाई जो बजे बजान लाग रहे हैं, पूरा भाई सहयोग मतलब दे रहे हैं सारे भाई। 36 बरादी का भाईचारा जुड़ रहा है। ये अपने भाई बहुत ही पुराने मित्र हैं, तो भाई साथ में मेहनत मारा करो। और क्या कहना चाहूँगा इसके बारे में, इसके बारे में बहुत अच्छा काम हो रहा है भाई, बहुत ही खुशी की बात है। देश के लिए बहुत एकजुट होना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, जो 36 बरादरी का भाईचारा देख कर इतनी टूटता देख कर कैसे बहुत अच्छा हो रहा है भाई। एकता के लिए बहुत अच्छा संदेश है, सबसे बढ़िया बात है सारे भाई एकता में पूरा शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहोगे भाई, जो इतने भाइयों का साथ मिला है भाई, इतना बढ़िया तिरंगा यात्रा निकाल दिया भाई साहब, सबका साथ सबका विकास, हम तो यही पास हैं। अच्छा बढ़िया भाई। कैमरा मैन मेरे गेला गेला आ जा भाई, कबीर युवा ब्रिगेड बहुत बढ़िया तिरंगा यात्रा, जो कि सारे भाई 36 बरादरी ने मिलकर यह यात्रा निकाली है। पद यात्रा बहुत अच्छा लगा है, जब 36 बरादरी का भाईचारा एकजुट मिलकर है, और भाई जब पद यात्रा तिरंगा यात्रा निकाला है। तो आ जा भाई कैमरा मैन, तो कहूँगा खेल खेल आ जा। दिखा दे भाई, भाई ये तिरंगा यहाँ पर ले रहा हूँ। चढ़ दे घुमा दे, हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आज हमारे साथ खड़े हैं भाई 36 बरादरी का भाईचारा। तो भैया जो तिरंगा यात्रा पद यात्रा निकाली थी उसके ऊपर में यहाँ पे भाई इकट्ठे हुए हैं। ये पता नहीं भाई किसका प्लाट है इसमें तिरंगा ले रहा है, दिखा दे भाई कैमरा मैन, दिखाऊंगा तिरंगा दिखा दे। और भैया तो पूछ जाएंगे ये प्लाट के बारे में भी और तिरंगा यात्रा के बारे में भी। तो नमस्कार जी। नमस्ते। तो क्या कहना चाहोगे, जो अपनी पद यात्रा तिरंगा यात्रा निकाली है पूरे खरगोदा के अंदर, इसके बारे में? ये जो मंत्री कविता जैन ने उनको सौंप रखे हमारे को, कबीर पंथी 22 अगस्त, हाँ उसको तो वैसे छोटे थे हम, हाँ अभी इनको देख लिया, इनको अपना लिया। ठीक है, तिरंगा अपना, हाँ ठीक है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी पहला ये पद यात्रा के बारे में बताओ, ये पद यात्रा कैसी रही आपकी? अभी बताएंगे जी। यहाँ कविता जैन आई थी। अच्छा जी। यहाँ उसका प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। उसका पत्थर भी लगा था यहाँ। अच्छा। कविता जैन ने का पत्थर लगा था जिस दिन यहाँ आई, और वह 70 लाख रुपए भी बोल के गई थी। अच्छा। तो यहाँ हमको कोई याना नहीं मिला। अच्छा। ना जमीन मिली, या जमीन भी बोल के गई थी जहाँ अब खड़े हैं हम। अच्छा। किसने कब्जा? इस पर कब्जा धानक समाज करेगा। अच्छा। जी सरकार मारी दे ओढ़ है, मारे तो दे ओढ़ है या जमीन। मतलब अगले ना कब्जा कर लिया, क्या कारण? ये हमारी कमजोरी, यहाँ हमने संभाली नहीं, अब हमारी आँख खुल गई, अब हम जो है इसको ले कर मानेंगे, हमारी ताकतें दानक समाज की दिखाई है और हम ले कर छोड़ देंगे। कैमरा मैन तो कहूँगा सारा भाईचारा एक बार दिखा दे, मैं चकर दिया घुमा दे भाई, कितने भाई इकट्ठे हो रहे हैं भाई, प्लाट ने ले कर भी और पद यात्रा ने भी ले गए। तो भाई सारा बहुत बढ़िया सहयोग रहा। तो भाई अपने जो उमेश नागर हैं भाई साहब, उनसे मैन बात करेंगे भाई, उनने कुकर के आड़ प्रोग्राम करवाया है। सबसे पहले तिरंगा यात्रा को सभी भाइयों का नमस्कार, जय भीम जय कबीर। आज जो हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो एक आज़ादी के तौर पर मनाया गया है, और पूरे धानक खरखोदे हल्के ने मिलजुल करके सहयोग किया है, और एकता का प्रशासन पुलिस प्रशासन के तहत भी, SDM के तहत भी, और नगर पालिका तहत भी परमिशन लेकर ये मुद्दा क्रांतिकारी उठाई है। 2018 में श्रीमती कविता जैन आई थी जो BJP से विधायक थी, उस BJP विधायक ने 2018 में दानक समाज को 900 गज जगह ITI के पास, वो हमें दानक समाज कबीर नाम के नाम से दी गई थी, और 70 लाख रुपए हमें ग्रांट उठ के गई थी, ना तो हमें जगह मिली और ना हमें पैसा मिला। अगर दानक समाज में अगर जो शेखर खोदे में पैदा दानक समाज है, तो इस जगह को और ग्रांट को लेके दिखाओ, ना तो अपने घरों में चूड़िया पहन कर घर बैठ जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं भाई किसी एक भाई की। लेंगे भाई, अगर मौका दिया समाज ने,
और समाज के इतनी ताकत पास है तो कविता जैन को यहाँ खड़ा कर दो घर को दलके में लाके, या उसके अंदर आरटीआई लगाओ और उसको कोर्ट के अंदर लेकर बैठ जाओ। भाई पैसा कोई लगता नहीं है, सिर्फ पैसा आनी जानी चीज है, सबसे बड़ी चीज है समाज, एकता और इज्जत। इज्जत पैसे से कमाई नहीं जाती, माँ बाप के दर्जे से कमाई जाती है और समाज के तहत कमाई जाती है। अगर आप लोगों में इतनी बड़ी क्रांतिकारी आज पैदा की है ना, मैं 37 साल की उम्र में आज तक कुछ नहीं देखा जितना जोश 2022 में स्वतंत्रता दिवस के ऊपर देखे ना दानक समाज में। आज पूरे हरियाणा में मैं कहता हूँ, मिशन देता हूँ, दानक समाज पैदा हो चुका है और आज नशेड़ी खत्म, भगत सिंह पैदा, अम्बेडकर पैदा हो चुके हैं दानक समाज में। ये एकता बनी रहे, आगे कार्यक्रांति बनो भाई। जय भीम जय कबीर, और यह जगह लेके हम मानेंगे, यह हमारी जगह थी दानक समाज खर को दल के की थी और यह जगह लेके हम मानेंगे। भाई किसी से डरियो मत, आप लोग की वोट से सीएम एमपी एमएलए बनते हैं, सबसे करोड़पति दानक समाज जो हमारी वोटों से एमपी एमएलए बनते हैं, मूर्ख इंसान जो आप अपनी वोटों से उनको एमपी एमएलए बनाते हैं, हमें भरोसा दिला के हमें भूल जाते हैं, वो टाइम आ गया है, अब उनको अपने कदमों में गिराओ, अब मत करो। 2022 में झटका देखा तो बीजेपी पार्टी को और जेजेपी पार्टी को, यहाँ से खत्म कर दो, हमें ये जगह नहीं मिली थी। जय भीम जय कबीर जय दानक समाज, दानक एकता, भारत माता की, भारत माता की। भाई आपकी सबसे बड़ा गुनहगार किसने मान हुई जमीन का? भाई हम यह बात हाँ एक बार रहेगी भाई, पुलिस प्रशासन को नहीं, एसडीएम को और भाई कविता जैन को, बीजेपी पार्टी को और जेजेपी पार्टी को ना मार मारते हैं, जो हमें 6 साल हो गए निकल गए यहाँ से, आज तक कोई देखने वाला वापस नहीं आया। सबके पास जगह होगी, सबके भवन हो गए, ना हमारे समाज के भवन नहीं है कहीं भी भाई, कर को दल के अंदर। अगर आप लोग अपनी माँ का पैदा भगत सिंह हो ना, तो 2022 से पहले 24 से पहले कुछ करके दिखा दो भाई, यह जगह लेके दिखाओ भाई। पहला की जा रहे थे भाई, जो करीब मुद्दा उठा दिया, पहला इंसान थे हमारे समाज के, जिन लोगों ने गुमराह किया है इन भाइयों को, उनको पता नहीं था, अगली मीटिंग रखेंगे, सबको बुलाएंगे, सबके बारे में नॉलेज को बता दिया जाएगा, किन लोगों ने दानक समाज को बेचा है, किन लोगों ने पार्टी के तहत बेचा है, किन लोगों ने वोट के चक्कर में बेचा, किस लोगों ने टिकट के चक्कर में बेचा। आज लोग आप आजाद हो गए भाई, अगर भाई सब ताकत है ना, जो आज क्रांतिकारी पैदा की ना भाई, 6 महीने पाछे 2 महीने पाछे एक बार दिखा दिया, आज जोड़ू भाई मैं थारा बेटा हूँ आज रहे, ठीक है? तो भाई भाई बहुत हिम्मत मार रहा है, तो भाई क्या कहना चाहोगे और जितने भी ये समाज के लोग खड़े हैं? हमारे कबीर संत कबीर के साथ खिलवाड़ किया गया है, समाज के साथ हमारे संत कबीर साहब के नाम पे खिलवाड़ किया गया है, हमारे संत कबीर के नाम पे जगह दी हुई थी, ये ताई किसी और समाज के लिए जगह नहीं दी गई थी। हमारे खरखोदा हल्के में या खरखोदा में संत कबीर के नाम से ना तो कोई मंदिर है ना कुछ और है, हमारी कहीं पे भी सुनाई नहीं होती। कित कमी रह रही है भाई, या कमी हमारी थोड़ी रह गई थी, जो हमारे बड्डे थे वे आगे नहीं आए, उन्हें हमें गुमराह किया थोड़ा, वो हम पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, जो हमारे दानक समाज में पढ़े लिखे उन्हें हमें जागरूकता दी अब, और हमें पूरा पता लगे अब, हमें अब हम जागेंगे और इस जगह को लेके दिखाएंगे, और अगर कुछ भी होता है हम पूरी ताकत और बल से लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई इतने दबोवार हो रहे हैं। प्रीतम नागर जो इसका चैनल है, इसके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ मैं सरकार को, बीजेपी को और जेजेपी को, दानक समाज खरखोदा हल्का 21 दिन का टाइम दे रहा है भाई, यह तो हमें जगह दे दो हमारे कबीर के नाम से, ना तो 2024 में ऐसा कर देंगे जैसे कि खेत से मूली पाड़ कर फेंक दी, हम वोट नहीं देंगे भाई, हमारे पास वोट की ताकत है, पैसों की ताकत जरूरत नहीं हमने, सर अब अपनी वोट के ताकत से आप एमएलए बना दिए ना तो उन्हें घेर भी सको भाई, पैसे की कोई जरूरत नहीं हमने। भाईचारे कितना का सपोर्ट है बड़े भाई? भाई भाईचारा 36 गांव में दानक समाज है भाई, 36 गांव का दानक यहाँ पैदा पहली बार हुआ है, और भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, राजगुरु, सखदेव सिंह पैदा हो चुके हैं, बीजेपी पार्टी को भी बता दो और जेजेपी पार्टी को बता दो भाई, अगर भाई आज कसम खा लो अपने कबीर के समाज की, भाई जगह लेकर मान जाओ अतः वोट दे दियो, अगर नहीं देती जगह अतः वोट ना अपने पास रखियो, किसी भाई निर्दलीय एमएलए उठा लेंगे ना तो हमने जरूरत नहीं किसी, भारत माता की। अरे 21 दिन का टाइम दूं, अगर खरखोदे के अंदर कविता जैन अगर यह जगह देती है तो ठीक है, ना तो पूरा हरियाणा का दानक समाज अनशन पे बैठेगा भाई।
हल्के में इसी जगह पे जय भीम जय कबीर जय दानक जय आल हरियाणा। इसमें मतलब आपने तिरंगा लगाया है तो इसमें जी ने कब्जा कर रखा है, कोई उसने रोक टोकरी होया अगर कुछ? हमें मारे को किसी ने कोई रोक नहीं टोकरी, ना हमें किसी से ने रोका, ना हमें किसी से ये कहा भाई गाड़ी अड़ाई है, हमें पूरे तय दिल से पहले समाज के आगे बात रखी, फिर समाज इकट्ठा होया, आज क्रांतिकारी के तहत झंडा भी फहरा दिया और क्रांति पद यात्रा भी की, सभी साथियों को जय भीम जय कबीर जय दानक इसी तरह अल्लाह रहता है। ये भाई है ये अलग अलग गाँव में गए अखर को दिख रहा है भाई 36 गाँव में के दानक है, ये एक गाँव का नहीं है। आप रिकॉर्ड उनके वोट कार्ड आई कार्ड आधार कार्ड चेक कर सकते हो। अब वो संवाद रीरा जिन लोगों ने समाज को बेचा था, आज भगत सिंह पैदा हो गए। आप एक एक आदमी से पूछ सकते हैं कौन कौन से गांव के आदमी हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बड्डे का आशीर्वाद रहे। और हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमें देकर गया था कलम की पावर वोट की पावर, आज 2024 में हम दिखा देंगे अगर ये जगह नहीं मिली तो। जय भीम जय कबीर जय। इस पर कब्जा फिर भी ना छोटा फिर की रहा मल्ले भैया अगला नुका का भाई मेरा कब्जा इस पर कई साल है और भाई मेरी जमीन है यार ये तो वैसे वो कर रहे हैं। कविता श्रीमती कविता जैन को कोर्ट में जाके बढ़ेगा लेगा पूरा हरियाणा धानक समाज कोर्ट में खड़ी कर देगा उसको, उसके पास इतनी ताकत नहीं है जितनी समाज में ताकत है। वो एक एमएलए हुआ भी सोनीपत से, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। जब वह हमें वोट के कारण खरखोदे में आल के आके हल्के वोटों के कारण तो जब आई थी तो उसने पहले सोचना चाहिए था, जब मेरी ताकत खरखोदे में नहीं है तो वह आई क्यों, और आई थी तो हमें फैसला करें। हम कोर्ट में कविता श्रीमती कविता जैन को खरखोदे में खरखोदे की जो कोर्ट है उस मेले के घुसेंगे आरटीए के तहत 80 लाख रुपया और हमें जगह दी गई थी संत कबीर के नाम से। कब घोषणा करी दिया भाई 2018 में मेरे पास सारे पेपर और अखबार की कटिंग और सारी वीडियो है, आज मैं पूरे ग्रुप में इसको डाल देता हूँ ठीक है। और कविता जैन ने 2018 में कविता जैन के नाम से पत्थर लगा था, वो पत्थर हमारे पास रखे है किसी वो कविता जैन ने किसने पढ़वाया किसने नहीं पढ़ा हमें कोई मालूम नहीं, लेकिन वो पत्थर एक समाज के घर के आदमी किसके पास रखा है, वो सरकारी पत्थर है, वो पत्थर भी हम ले आएंगे यहाँ। जो पत्थर पार के अपना घर ले गए वो मूर्ख इंसान थे, अब समाज को मार दिया जाए। उन लोगों ने जिन लोगों ने आज तिरंगा यात्रा करी है जिन लोगों ने तिरंगा फहराया है वो क्रांतिकारी बने, और जिन लोगों ने आज आजादी नहीं मनाई वो गद्दार जंग में गए। जिन्होंने आज भगत सिंह को जगाया है उद्धम सिंह राजगुरु डॉक्टर अम्बेडकर को जगाया है वो आज क्रांतिकारी झंडा लेके इतने समाज खड़ा है। भाई कोई आदमी एक आधा हिसाब ही है जिन क्या गया घोषणा करी हो भैया जमीन दाड़क से भाई साहब कोसा भी आ जाओ हिमांशु जिनका गया घोषणा नमस्कार भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। नमस्कार मैं हिमांशु दी लोड जय भीम जय कबीर साहब। जब यहाँ पर कविता जैन आई थी मैं यहाँ पर मौजूद था, और जो जितने भी बड़े थे जिन्होंने पहले कमेटी बनाई थी इस युवा ब्रिगेड से पहले वो सारे यहाँ पर उपस्थित थे ठीक है, वो सारे दानक समाज के थे। उस टाइम पे श्रीमती कविता जैन जी ने घोषणा की थी कि ये ज़मीन कबीर जी के मंदिर के लिए दानक समाज को दे दी गई है हाँ जी, और उसके लिए उन्होंने पत्थर का भी ऐलान कर दिया था, वो पत्थर बाद में यहाँ लगाया गया था और पैसे भी उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी 70 लाख की। ये सारा कार्यक्रम यहीं हुआ था, सामने की तरफ उनकी स्टेज लगी थी और हालांकि यहाँ पे भंडारा भी किया गया था। तो कब्जा कैसे हो गया इतनी मतलब कब्जा हम नहीं कह रहे किसी का भी कब्जा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये हमारे जो पहले वाले बुजुर्ग थे उनकी डील कह लो या फिर हमारे जागने की डील, लेकिन अब हम ये मानते हैं जब जागो तभी सवेरा ठीक है, और अब हम जाग गए हैं सारा समाज, अब ये जमीन हम लेकर रहेंगे। फिर मान कित हद तक जाना चाहोगे मान भैया कब या जमीन लेना चाहोगे? आपको उमेश जी ने ही बताया है कि हम आने वाले इलेक्शनों में इस सरकार को ख़त्म कर देंगे अगर हमारा साथ नहीं देती है तो, साथ देती है तो हम सरकार के भी साथ है, हमारे काम बन रहे हैं तो हमें वो सरकार प्रिय है ठीक है, अगर हमारे काम नहीं बन रहे हैं हम सरकार को साफ कर देंगे, हमारी वोट बहुत ज़्यादा है, हमारी वोट से सरकार बन भी सकती है पूरे समाज से दानक समाज से और गिर भी सकती है, ये बात हम आपको ऐलान कर चुके हैं कि हम वोट नहीं देंगे। मंदिर बनाने का है या फिर जो भी चीज बनती है कबीर के नाम से बनने के लिए जी बिल्कुल, कोई संस्था बनाना चाहो या भाई कोई धर्मशाला बनाना चाहो कुछ भी हो वो कबीर से नाम से बने, बस यही समाज चाहता है और इसीलिए जागरूक हुआ है।
कहना चाहोगे भाई साहब? दो बात भाई, दो बात पूछ। राष्ट्रीय गान भाई, राष्ट्रीय गान हो जाने दे भाई। सारे भाई दिखा दे एक बार, पहला तो कहूंगा सारे भाई दिखा दे बारे ऊपर कैमरा करके सारे दिखा दे भाई, एक बार नारे लगा दो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब माता की, जय माता की, माता की। किसी ने भाई अपनी बात रखनी हो ये भाई आ सको हो भाइयों, सुनो भाई दिखा दो एक बार के अगर सकम भाई, भाइयों भाइयों सारे सुन लो भाई, अगला प्रसाद बना रखा है रोहतक वाले बाईपास पे, वहीं चले दे भाई, से चले दे पद यात्रा ली थी वहीं चलना, प्रसाद लेके घर जाना है भाई, भाई ये कबीर दास महाराज जी का प्रसाद है लेके चलना भाइयों, कम जरूर नौड़ा पड़ेगा ये।